हाँ जी एवियोनिक्स से मार्केटिंग में किस तरह आया? अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि शौक था बहुत जहाज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, तो आगे एवियोनिक्स के अंदर। अब 4 साल वहाँ पर लगा यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आगे जाके हम क्या क्या करेंगे। सबसे बड़ा ख्वाब तो ये था कि एक और जहाज़ बना लेंगे, कोई नई चीज़ इनोवेट कर लेंगे। लेकिन जैसे इंडस्ट्री में आए तो रियलिटी बहुत ही अलग नज़र आ रही थी कि ऐसे वैसे कुछ नहीं होने वाला। पर्सनली अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं नज़र आ रही थी वहाँ पर, इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही थी, बहुत खास इनोवेशन भी नहीं नज़र आ रही थी कि कर पाएंगे। तो शुरू से था क्रिएटिविटी थी बीच में कि भाई नई चीज़ें ट्राई करनी है, नई चीज़ें करनी है, नई चीज़ें सीखनी है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में भी एक्टिव था, डिबेटिंग के अंदर, मनी के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर। तो इंडस्ट्री में जब वो नहीं नज़र आ रहा था, अब दो ऑप्शंस थी, या तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते रहे एंड दुआ करते रहे कि हाँ भाई कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, या फिर जो एक पर्सनल एक ड्राइव थी, एक माइंडसेट था कि भाई जो मैंने डिग्री की है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये मुझे लिमिट कर देगी, आगे यही काम करना है। डिग्री में मैंने लर्निंग सीखी है कि हाउ टू लर्न स्टाफ, 48 अलग अलग कोर्सेज किए हैं कि हाउ टू लर्न न्यू स्टाफ, हाउ टू डील विद न्यू चैलेंजेस, लोगों से किस तरह मिलना है, लोगों से किस तरह बात करनी है। तो ये सारी लर्निंग थी, साथ में क्रिएटिविटी भी थी। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग यही आगे करियर पाथ, आई चूज कॉन्टेंट राइटिंग, क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी थी, एक स्किल सेट भी था, सीखने को भी बहुत मिलना था। तो अब वो एक्सप्लोर करना शुरू किया तो वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नज़र आई। एक डिजिटल वर्ल्ड बिल्कुल नया खुल गया ना सामने, उसके अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज थी, बेतहाशा लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे, वहाँ पर ग्रो किया। फिर हर कोई यही पूछ रहा होता था उसमें भी हमेशा कि यार तुम मे भी अपने आप को जाया कर रहे हो कि तुमने एवियोनिक्स सीखी है, जहाज़ों के बारे में सीखा है, एंड यू आर नॉट वर्किंग दैट। लेकिन फॉर मी इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि यार इट्स अ चॉइस दैट आई हैव टू मेक, कि मैं इसी लिए लगा रहा हूँ कि आई हैव अदर स्किल सेट्स, मैं उन्हें एक्सप्लोर करूँ, आगे जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करूँ। करियर की अभी स्टार्टिंग ही है और आगे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वाई नॉट उन्हें ट्राई करें। तो उसमें ग्रो करना शुरू किया और करते करते फिर कॉन्टेंट राइटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर गैडिटेक के अंदर आ गया। तो यहाँ पर यही था कि इफ़ यू हैव द राइट माइंड सेट, तो फॉर मी आई थॉट आई हैव द राइट माइंड सेट, तो यहाँ पर आके और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ज़्यादा चीज़ें हैं, और मैं वही सीखते जा रहा हूँ विद द सेम ड्राइव, विद द सेम पैशन इन माइंड, कि यार आई हैव द कैपेसिटी टू डू न्यू स्टफ, टू लर्न न्यू स्टफ, और जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जितनी भी चैलेंजिंग हो, आई से यस टू देम, और फिर उन पर लर्निंग कर रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम सिंपली कंटिन्यू और लर्निंग। और अभी भी इट्स नॉट जस्ट कि भाई मैं मार्केटिंग ही करता रहूँगा, अगर मुझे यहाँ पर भी और अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगी तो उन्हें एक्सप्लोर करूँगा, उनमें आगे बढ़ूँगा, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू एक्सप्लोर, और इफ़ यू हैव दैट ड्राइव एंड यू हैव दिस माइंड सेट, आई वुड से यहाँ भाई नई चीज़ ट्राई करो, नई चीज़ करो, नई चीज़ एक्सप्लोर करो, नई चीज़ लर्न करो। तो आई थिंक आई हैव सम ऑफ दोज थिंग्स, एंड इफ एनीवन हैज़ दैट, इफ एनीवन अंडरस्टैंड्स दैट दे कैन मेक अ चॉइस टू डू समथिंग, दे कैन डू इट, एंड आई एम ट्राइंग टू डू स्टफ एंड आई एम एंजॉइंग इट। सो फॉर मी दैट्स माई स्टोरी इन सिंपल वर्ड्स, कि एवियोनिक्स थी, येस आई हैड द बैकग्राउंड, आई हैड द 4 साल की एजुकेशन इन दैट, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन हु आई एम। मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ, आई एम ओपन टू लर्निंग, एंड आई एम यूजिंग दोज टू थिंग्स टू एक्सप्लोर न्यू करियर पाथ्स, एंड हैविंग अ ब्लास्ट डूइंग दैट। दैट्स इट।